माफी मांगने वाली बार 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 आती है, और किस चीज़ की माफियाँ मांग रही हो? मैंने कल भी देखा था प्रोग्राम में, परसों भी देखा था कि जो गलतियाँ हो गई किस चीज़ की माफियाँ? वो गलती से हमारे रिपोर्ट कार्ड पे अपना नाम लिखवा रहा है, ये पता कर लेना आप। उसको यही नहीं पता होता ये कौन से सन में काम होया, कौन से में ना होया। या आटा जो पुल हमारा बिलासपुर पुल बनाया है जमुना का, उसको यही नहीं पता कौन सी सरकार में बनाया है। ये तो एक बार का है नेता, ये दूसरा अंदर जेल में चला जाएगा तो यहाँ खाली रह जाएगा हल्का। तो लोगों ने काम भी चाहिए, विकास भी चाहिए है, तो इसलिए सब ने मन बना रखा है भाई हल्के को खाली थोड़ा थोड़ा ना। ये मैं चुनाव थोड़ा लड़ रहा हूँ, ये तो संभाल का हल्के की जनता चुनाव लड़ रही है। अभी देखा नहीं आपने, बोल लिए कोई नेता आया था बड़ा यहाँ इसमें, तो वहाँ सब यूपी के टोल पर बैठ जाते हैं। अब 40 गाड़ियाँ तो यूपी से आ रही थी, और इसके पास तो दुकान में सामान ही नहीं रहा बिल्कुल। ये तो नुम मान लो इसके पास तो कुछ नहीं है। मैं उड्डार के पास तो गया था टिकट के लिए, अब टिकट दे दो हमारे को, तो ये बोले तुम्हारा ब्योत ही नहीं है वहाँ बनने का। अगर ये दोनों इकट्ठे हो कभी चुनाव लड़ें तो जब भी रविंद्र मछरौली को हराना इनके लिए आसान काम नहीं है। समालखा विधानसभा में है और समालखा का चुनाव जो है दिलचस्प हुआ है। कांग्रेस बीजेपी के बीच जो गुंडी अड़ादी है वो है निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र मछरौली ने। रविंद्र मछरौली पहले चुनाव लड़ चुके हैं और विधायक जो है बन चुके हैं, और अब बीजेपी को भी समर्थन दिया था, लेकिन अब जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान पे हैं। पूरा लंबा काफिला जो इनके साथ चलता है, और हमने कल दिखाया था वीडियो में पूरा ट्रैक्टर का काफिला साथ में था इनके, और आज फिर से इनके साथ हैं। क्या विजन है समालखा के लिए? क्योंकि समालखा मानते हैं कि पिछड़ा हुआ इलाका था और धीरे धीरे ये ग्रो हुआ है, और आज करोड़ों पति जो सामियाँ हैं जो यहाँ पर रहती हैं, और यहाँ पर एक बढ़ाना साहब चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले रविंद्र मछरौली से बातचीत करते हैं। मछरौली साहब, चुनाव प्रचार ठीक ठाक चल रहा है, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, कहाँ से इतने ट्रैक्टर आ रहे हैं इतने? अरे गाँव गाँव के ट्रैक्टर हैं, सब जमींदार हैं मेरे भाई, सब वो हैं। ये लोगों की लोकप्रियता है, लोगों का प्यार है, तो मजा आ रहा है चुनाव से ही पूछा था। आपने गुंडिया डाल रखी है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में? ये मैंने नहीं डाल रखी, मेरी कोई ताकत नहीं है। ये मेरे बुजुर्ग, मेरी माता है, मेरे बहन है, इन्होंने डाल रखी है। ये इन्होंने पता है यहाँ जो रविंद्र मछरौली ने पर्चा भर रखा वो इनकी पावर और इनकी ताकत के उस पर भर रखा है, तो ये अपनी ताकत इनको 5 तारीख को दिखा देंगे। अगर भाई यहाँ कोई बाहर से आगे चुनाव लड़ेगा या ये लड़ेगा, इनको ये पता है इस बात का। ये तो एक बार का है नेता, ये दूसरा अंदर जेल में चला जाएगा तो यहाँ खाली रह जाएगा हल्का। तो लोगों ने काम भी चाहिए, विकास भी चाहिए है, तो इसलिए सब ने मन बना रखा है भाई हल्के को खाली थोड़ा थोड़ा ना हमने। ये भविष्यवाणी कैसी है कि एक अंदर चला जाएगा? वो तो ईडी वाले जाएगा, उसमें क्या वो है, कोई किसी के साथ गलत करेगा तो होगा। ये गरीब लोग जो 5-6 हज़ार लोग गरीब घूम रहे हैं यहाँ को, तो वो तो देखो उनकी दुआ तो सिद्ध है सिद्ध की, ये तो जाए जाएगा। और बढ़ाना का जो ये है, ये टूरिस्ट है, ये 1 महीने के लिए आ रहा है, तो इस करके हल्का खाली थोड़ा थोड़ा है। ये हमारी जनता ने, हमारे माताओं ने, भाइयों ने सब ना आशीर्वाद दे रखा, क्योंकि मैं इनकी टिकट पे चुनाव लड़ रहा हूँ, ना कि किसी पार्टी की टिकट पे। लेकिन टूरिस्ट वाली बात है आप कह रहे हैं, मतलब घूमते घूमते चुनाव लड़ने की सोची बढ़ाना साहब ने, चलो यार संभाल कर चल पड़ते हैं? नहीं, ये तो एक स्टेट, अभी 8 तारीख के बाद अगली स्टेट देखेंगे कौन सी स्टेट में चुनाव है। अच्छा। ये वहाँ से ले जाएंगे, आप देख लेना। इतने गुजरात वाले उत्तराखंड पहुँचे हैं पता करने, इतने उत्तराखंड से वहाँ यहाँ आ गए हैं, अभी यहाँ से इतना 8 को फिर आगे चले जाएंगे, ये आप देख लेना। अच्छा, चुनाव लड़ने का शौक है उन लोगों को है? बस वो तो क्या है क्या नहीं है हमने नहीं पता उस बात का, क्या है इनका। अच्छा मछरौली साहब, आपकी कौन सी बात जो है लोगों को क्लिक कर रही है? आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, काफिला बड़ा लंबा चौड़ा होता है आपका, कौन सी दिमाग में कौन सी गुट्टी बनाते हो डालते हो कि रविंद्र मछरौली आप कर रहे हो करवा रहे हो? देखो पता क्या जी, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ, और मैंने इनको सभी को अपना 5 साल में विधायक रहा, 5 साल विधायक में मैंने 36 बरादरी का काम किया, कोई जातिवादी का काम नहीं किया, लेकिन जाट बरादरी के लिए सिर्फ एक काम किया भाई। इस बरादरी को कोई ये नहीं कह सकता कि विधायक जाट बना था, लूट कर खा गया इस हल्के को, या कोई बदमाश बनाया है। और ना आपको किसी गांव में जाओ कोई ये बताने वाला नहीं मिलेगा रविंद्र मछरौली यहाँ 100 रुपये बोल के गया था, अब भाई यहाँ दिए नहीं होंगे। आप किसी गांव में जाओ, दूसरे नेता का तो हर गांव में नू मिलेगा, यहाँ 20 लाख, यहाँ 10, यहाँ 15, हर गांव ये प्रचार है इनका। आप किसी गांव में जाओ, कोई रामलीला जागरण भंडारा या वैसे, आपको कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। तो इस बरादरी के लिए मैंने ये काम किया भाई, कोई मैं चुनाव लड़ूँ या और लड़े, कल को कोई ये नहीं कहेगा
कि भाई जाट को एमएलए बना था, यहाँ लूट खा गया था हल्के को, तो इस करके इन लोगों ने पता है इनका बच्चा हूँ, इनका बेटा हूँ और मैं कोई राजनीति परिवार से थोड़ा हूँ, और पीछे भी अगर कोई गलतियाँ भी हुई हो तो उसकी सबकी माफ़ियाँ इनको हाथ जोड़ के मांगता भी रहता हूँ। भाई थारा बच्चा हूँ, अपने बच्चे को यही संभालेंगे, इन्हीं का काम है। ये मैं चुनाव थोड़ा लड़ रहा हूँ, ये तो संभाल कल के जनता चुनाव लड़ रही है बिना टिकट के। हाँ, बिना टिकट के चुनाव लड़ रही है। ये 5 तारीख को बता देंगे ये क्या है चुनाव, इनको पता ही नहीं चुनाव कहाँ है। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये ज़रूर जिक्र करूँगा कि माफ़ी मांगने वाली बार 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 आती है, और किस चीज़ की माफ़ियाँ मांग रही हो? मैंने कल भी देखा था, पर प्रोग्राम में परसों भी देखा था भी जो गलतियाँ हो गई उसको किस चीज़ की माफ़ियाँ हो? अरे बच्चा हूँ मैं इसलिए कहता रहता हूँ अपने बड़ों को। अच्छा। इनको धमकाने का कुरकाने का, मैं इनके लिए विधायक थोड़ा हूँ, मैं पुलिस लेके थोड़ा घूम रहा हूँ, मैं विधायक रहते हुए भी पुलिस लेके थोड़ा घूम रहा हूँ। अभी मुझे कोई खतरा है, मैं इनका कहीं अपमान थोड़ा होने दे रहा हूँ, तो इस करके फिर भी कोई जाने न जाने की ये बात कहता हूँ, क्योंकि मैं मुझे इनको माफ़ करने का होता अपने बेटे को। और मैं तो ये कहता हूँ अपना 10 दिन का चुनाव है अभी, ये अपने आप संभालेंगे चुनाव को। ये हार जीत रविंद्र मछरौली की नहीं है, ये समाड़का हल्के के जितने मेरे माता बुजुर्ग है ये सब गंगा मैया का आशीर्वाद है। अच्छा, धर्म सिंह छोकर जो मौजूदा विधायक, अपना रिपोर्ट कार्ड जरूर दिखाते हैं कि मैंने कौन कौन से हल्के में काम करवाए। एक तो आपसे पूछूंगा कि आपके 5 साल जो आप विधायक रहे कौन से काम कार्य करवाए थे, और अगला क्या है, और जो विधायक साहब अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं उनके बारे में क्या है? वो उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं है, पता कर लेना, वो गलती से हमारे रिपोर्ट कार्ड पे अपना नाम लिखवा रहा है, ये पता कर लेना आप। उसको यही नहीं पता होता ये कौन से सन में काम होया कौन से में ना होया। मैं बेली स्कूल था अपना जो बन रहा है वो, उसको भी अपना बता रहा है अगर मैंने बनवा, उसको यही नहीं पता ये कौन से सन में क्या बनया है। या आटा जो पुल हमारा बिलासपुर पुल बनया है जमुना का, उसको यही नहीं पता कौन सी सरकार में बनया है। या खट्टर साहब ने अजीत सरपंच था आटे का, उससे मैंने रेजुलेशन करा के दिया था, और आटा जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम ये पुल बनया था। वो तो ऐसे ही गाता रहता है, सब ने पता है उसका। अच्छा, और क्या लोगों को काम याद करवा रहे हो कि मैं जब विधायक था मैंने ये काम करवाया? हाँ, ये सब ने पता है। रविंद्र 2014 से 19 का कार्यकाल जो देखेगा उसको सबको पता है। कोई शहर में कोई बदमाशी तो छोड़ दो, कोई ऊंची आवाज में भी बोले, कोई व्यापारी किसान मजदूर हर वर्ग, कोई ये नहीं कह सकता कि रविंद्र के 2014 से 19 के कार्यकाल में हमारे को दिक्कतें आई हैं, परेशानियां आई है कोई भी, तो इस करके सबको याद है इस बात का। और मुझे ये जो लोगों का प्यार मिल रहा है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है भाई रविंद्र कम से कम, क्योंकि पैसे कमाने होते ना। मैं भी मुख्यमंत्री जी मेरे अपने बढ़िया ठीक ताल्लुक थे, मैं भी 500-700 हज़ार करोड़ रुपये कमा लेता जैसे ये नेता दूसरे कमाए हैं। तो इस करके हमने तो पैसा ना कमा कर ये काम कमाया भी, मेरे को हर गली में हर मोहल्ले में ये जानना चाहिए ये हमारा बेटा है, ये रविंद्र मछरौली हमारा भाई है। तो हमने इस तरह का काम किया, नहीं पैसे कमाने का काम करना होता तो मैं भी कर लेता और मैं भी ऐसा कर देता। यहाँ ये सोचते अगर भाई जाट एमएलए बना था साल लूट खा गया सब कुछ खा गया ये कर गया वो कर गया, तो मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए काम किया। ये लोगों का प्यार आज नज़र आ रहा है हमारे को, अगर भाई वाकई ही जनता आशीर्वाद दे रखे। मतलब आपने, आपका कहने मतलब कि जाटा सही नहीं दिखाई, लोग कह रहे थे भी जाट को बना दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा संभाल का, वो चीज़ से आप दूर करे दूर रहे। हाँ हाँ हाँ, ये चीज़ें को हमने ख़त्म कराया यहाँ 36 बरादरी को। आप मेरे साथ देख लेना, अगर आपको कोई ऐसी बरादरी बता देना मेरे को हमारे हल्के में भाई इस बरादरी में रविंद्र मछरौली की वोट नहीं है, तो रविंद्र मछरौली का चुनाव तो सब अपना चुनाव समझते हैं, ना कि रविंद्र मछरौली का, क्योंकि जिस दिन पर्चा भरा उसी दिन इन्होंने आशीर्वाद दे दिया था। हमने 2014 में चुनाव लड़ा था, उस टाइम भी इतनी भीड़ नहीं थी, किसी को कोई किराए के साधन थोड़ा रहे थे, कोई आदमी बाहर से थोड़ा रहे थे। अभी देखा नहीं आपने बोली कोई नेता आया था बड़ा यहाँ इसमें, तो वहाँ सब यूपी के टोल पर बैठ जाते, अब 40 गाड़ियाँ तो यूपी से आ रही थी और सराना से वहाँ से हमारे यहाँ गाँव का आदमी तो देखो वहाँ कौन थे क्या था कितना आदमी था। आप अगर हमारे प्रोग्राम में गए हो, इन एक प्रोग्राम में इससे ज़्यादा तो हमारे एक गांव के प्रोग्राम में रहते हैं आदमी। और आपको वोट काटू बता रहे थे उस रैली में? वो तो समय बताओगा हम वोट काटू हैं क्या। 2014 में जब मोदी जी की आंधी थी उस टाइम 46 सीटें आई थी बीजेपी की, आज तो हवा बीजेपी की नहीं कांग्रेस की नहीं है, तो इस करके ये पता चलेगा अगर भाई हम वोट काटू हैं कि न काटू हैं।
क्यों, गनौर में भी देवेंद्र भाई है, उसको भी ऐसे ही बोल रहे थे, वहाँ भी बताया देवेंद्र को भाई वोट काटू। अरे हम वोट काटू हैं, हम MLA हैं, हम विधायक रह रहे हैं यहाँ, लोगों की सेवा कर रखी जनता की, ये तो जनता बता देगी इनको, मेरे बुजुर्ग भाई नौजवान साथी माता ये बताएंगे हम वोट काटू हैं का हम इनको भगाऊ हैं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ एक ये जरूर सुनने को मिल रहा है कि जब बड़ाणा साहब यहाँ से थे MLA थे, भूखन एरिया की बात चल रही थी, लेकिन आज क्योंकि आज के गांव के हालात है आपके समालखा में, मेरे ख्याल पानीपत में इतने करोड़पति नहीं रहते जितने समालखा में रह रहे हैं, वो भूखन एरिया भी की बात करते हो आप लोग जब जाते हैं, उस चीज़ याद आती है लोगों को? देखो इनको सब पता है, यहाँ समालखा में आप किसी होटल में जाओ कोई रूम खाली नहीं है, सब बाहर का आदमी पड़ा है, यहाँ सारे बाहर के लोग हैं, मेरे समालखा हल्के का आदमी नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। आप पता करो एक बार नगो भाई तो कहाँ का है, हर एक होटल में इन्हीं के आदमी भर रहे हैं, और इन्होंने तो कापी लगा रखी है भाई, जो जैसे कोई किसी गांव का पैसे ले गया भाई, ये पैसे फलाना फलाना आदमी उसको दिए हैं, इतने इन्होंने कापी लगा रखी है, 8 तारीख को ये उस कापी को भी आउट करके जाएंगे लोगों को। पीछे इन्हें भूखन बताया था कि लोग नू पूछेंगे लोगों को ये बात कहने के लिए अगर भाई ये भूखन क्यों नहीं है, मैंने देखो फलाने गांव में इतना पैसा उसको दिया, 1 लाख रुपया फलाने आदमी को फलाने को दिया, ये लिस्ट आउट करेंगे इस बात के लिए, आप देख लेना 8 तारीख को, ये करके जाते रहेंगे यहाँ। आप फ्यूचर बताने में बड़े माहिर हो, भी छोकर साहब का बता दिया, कांग्रेस का क्या फ्यूचर बता रहे हो कांग्रेस, क्योंकि इस बार जहाँ जाओ कह रहे जी कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस वाले भी बड़े कूद रहे हैं कि इस बार सरकार आ रही है उनकी। देखो आप खुद देखो लहर है कि ना है, मैंने तो आपको बताया 2014 का चुनाव बताया, मोदी के सिवाय कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, और उस टाइम भी मेरे बुजुर्गों ने माता भाइया ने रविंद्र मछरौली को आशीर्वाद दिया था, तो आज तो उसके 10% भी लहर हो तो किसी पार्टी की बता दो तो सरकार कैसे बनेगी, सरकार तो आज़ाद और इंडिपेंडेंट बनाएंगे, और जब इंडिपेंडेंट आज़ाद बनाएंगे तो हमारे हल्के समालखा का विकास होगा, क्योंकि हम सरकार में रहेंगे, सरकार के साथ रहेंगे, और ये तो लोगों ने पता है सरकार के साथ रहने से ही विकास होगा। हमने अपने टाइम में 14 से 19 के कार्यकाल में इतना काम कराया, पंचायतों में इतना रुपया दिया, आज भी वही रुपया चल रहा है, 2014 से 19 के बीच तो आप नू बता दो 1000 रुपये उस गांव में काम किया है, 1000 रुपये का भी काम नहीं किया। अब BJP के साथ भी गए थे, CM के साथ तो आपकी यारी थी, खुल के यारी थी, कोई टिकट की बात नहीं हुई कि मैं BJP की टिकट से चुनाव लड़ूंगा, या टिकट की बात अटक गई? ना ना ना, मुझे काम में मैं आपको झूठ बोल लूँ, मेरी कोई टिकट विकट की ना कोई बात हुई, ना मेरा कोई वो था मन, था मन तो जनता की टिकट पर चुनाव लड़ने का मन था, मैं उड्डार के पास तो गया था टिकट के लिए, टिकट दे दो हमारे को, तो ये बोले तुम्हारा ब्योती नहीं है वहाँ बनने का, वहाँ तो छोकर हैं, मगर जी मारी भी 45,000 वोट हैं, और मैं एक बात और भी कह के आया था इनको बाद में, मगर जी किसी ब्राह्मण को दे दो, जब तो कट ली थी शशिकांत भाई की भी टिकट कट ली थी, मगर मेरे को नहीं देते उसको दे दो, ऐसा नहीं है कोई छोकरा की कोई इसी बात है, तो उन्होंने कहा नहीं धर्म सिंह छोकर ही है वहाँ, तुम्हारा ब्योत नहीं है, मगर कोई बात नहीं ना होगा तो बताओगे वहाँ चुनाव लड़ेंगे, मगर हमने तो चुनाव लड़ना, मगर देखो बड़े उड्डा से बात हो गई, किसी और से सरपंच भी थे हमारे साथ काफ़ी 10-15 सरपंच भी थे मेरे साथ, तो गए थे हमारे जाटों वाले गाँव से सरपंच थे, तो इस तरह की बातें करी तो हमने फिर क्या लेना था उन बातों से, मतलब चैलेंज स्वीकार कर लिया, अभी तो चुनाव लड़ना लड़ना है। नहीं मैंने तो लड़ना ही था चुनाव, टिकट मिले ना मिले, पिछले 2014 से 19 के सारे काम अधूरे पड़े हैं मेरे समालखा में, देख लो कहाँ भी कोई अगर एक ईंट लगी हो तो ये भी तो पूरे कराने हैं, ये पूरे करा विकास भी कराना अपने समालखा हल्के का, क्योंकि हमारा समालखा 5 साल में काफ़ी पिछड़ चुका है, क्योंकि ये तो पैसे कमाने में लगे रहे, इनको तो पैसे कमाने से फुर्सत नहीं मिली यहाँ के विधायक को, क्यों पीछे 5-6 हज़ार लोग रोते घूम रहे, कहीं फांसी भी ले ली, गुजर भी गए होंगे बेचारे, रोते घूम रहे हैं, चिल्लाते घूम रहे हैं, तो गरीब लोग तो थे वो सभी, 36 बरादरी के लोग थे भाई, 14 लाख रुपये का मकान है, 7 लोन करा लिया, 7 तनख्वाह से कट गए, तो गरीब की आत्मा तो दुखती है। ये चुनाव जाट वर्सेस गुजर हो रहा है, क्या हो रहा है मतलब समालखा में, जैसे आप कह रहे कि 45,000 जाटों के वोट हैं, 2 गुजर भी लड़ रहे हैं, जाति पाति का तो होगा, समीकरण तो बिगड़ेंगे चीज़। देखो पता क्या, रविंद्र मछरौली के लिए कोई जातिवादी का काम नहीं करता, रविंद्र मछरौली की हर जातियों में वोट है, हर जाति उसके साथ है, भाईचारा बना के रखता है, और रही बात चाहे देखो आप कितना कुछ कर लो, तो ये थोड़ा जाति की परसेंटेज की वोट, तो जैसे हमारा धर्म सिंह लड़ता था भाई गुजरों की वोट लेता था,
तो इस करके ये अब बढ़ाना आ गया, तो सारे गुजर बरादरी के तो 70% लोग बढ़ाना की तरफ चले गए। आप चुलकाना जाओ, कुआना नराना जाओ, इन गांवों में देखो जाके पता चलेगा, इसके पास तो दुकान में सामान ही नहीं रहा बिल्कुल। ये तो मान लो इसके पास तो कुछ नहीं है। तो आप बीजेपी के साथ टक्कर आपकी ना? मेरी तो टक्कर ही नहीं है, मकद का मेरी टक्कर है। ये संभालखा हल्के की जनता की चुनाव है और इनकी भी कोई टक्कर नहीं है, मैं आपको ये बता देता हूँ। आप घूमो फिरो, अगर ये दोनों इकट्ठे हो कभी चुनाव लड़ें तो जब भी रविंद्र मछरौली को हराना इनके लिए आसान काम नहीं है यहाँ संभालखा की। तो इस करके यहाँ तो टक्कर का कोई काम ही नहीं है। तो विकास कार्य क्या कराओगे? संभालखा पिछड़ा हुआ कह रहे हो, 5 साल में बड़ा पिछड़ गए हैं। देख लो आप, पंजाबी धर्मशाला है संभालखा में, जिस टाइम हमारा कार्यकाल था हमने उसमें 40 लाख रुपए दिए थे, बनाए थे, अदर में ऐसे ही पड़ी है। गोल्डन पार्क देख लो, ऐसे ही पड़ा हो। पंजाबी युमी फौजियों का भवन हो था, अभी अभी देख लो जाके वहाँ, ऐसे ही पड़ा अदर में। बैंकट हॉल था शादियों का, वो भी ऐसे ही पड़ा है। आप वो रेलवे स्टेशन पार्क था, 1 करोड़ रुपये उसमें दिए थे, वो भी ऐसे ही पड़ा। सब कुछ ऐसे ही पड़ा एकदम, कोई 1 रुपये का काम नहीं होया। अच्छा, और अब की बार तो ये मेरा बेटा है, देखो ये भी कहता पापा मैं भी वोट मांगूंगा। ये वो फिल्म स्टार था हरीश कुमार, उसकी छोटी छोटी जब होता था ऐसी शक्ल मिलती थी। पापा के साथ वोट मांग रहे हो? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जीतेंगे पापा? जीतेंगे। अच्छा। हाँ, पापा सबका काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पापा ने एक ही बात सिखाई है कि सब बराबर है। अच्छा। चाहे कोई कैसा भी हो, जीतेंगे अब की बार। अच्छा, तो रोज जाते हो पापा के साथ वोट? हाँ, रोज जाते हैं और झूठ भी नहीं बोलते कभी, घर पे भी ऐसे ही, यहाँ पे भी ऐसे ही। अच्छा। राजनीति सीख रहे हो थोड़ी थोड़ी बोलनी है? हाँ। आगे जाके क्या बनना है? आगे जाके मुझे भी इलेक्शन लड़ना है, हरियाणा को नंबर 1 लेके जाना है। अच्छा। और सबकी सेवा करनी है। तो मोदी साहब और खट्टर साहब तो कह रहे हैं हमने हरियाणा को नंबर 1 बना दिया। नहीं, अभी कहाँ है, आप बाकी स्टेट्स में जाके देखो, ज़्यादा डेवलप्ड है अभी हरियाणा से। अच्छा। सारी स्टेट्स की GDP वगैरह देख, मतलब सारी स्टेट की वो देख लो, इनकम वगैरह हरियाणा से ज़्यादा है, ज़्यादा विकसित है। अच्छा, पॉलिटिक्स के बारे में क्या जानते हो आप? मतलब बीजेपी से सरकार आई या पहले कांग्रेस की सरकार थी, आपको पता है कि दोनों में क्या डिफरेंट था? और कह रहे हैं कि मोदी साहब के नेतृत्व में पूरे देश में जो है इंडिया का झंडा लहराया है। वो तो ज़्यादातर उस पर रिलीजन बेस्ड करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, सब बराबर होते हैं। तो मैंने तो यही देखा है कि वो एक रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, एक रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सारे बराबर होते हैं। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा पहले चलता था वो, उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ। तो चलिए, इकरा इकरा बहन हमारी वोट मांगी। हाँ, इकरा जी आए थे आपके। हाँ। और इन्होंने कहा था भाई इकरा को मैं वहाँ, इन्होंने यहाँ मंच के माध्यम से बोला भाई मैं वहाँ देखूंगा इसका चुनाव होगा, ये होगा, तो हमने इसको उसके माध्यम से कहा भाई मेरी बरादरी भी वहाँ बहुत है, हमारे यहाँ हमारी बरादरी भी, जब बहन हमारे लिए काम करेगी तो हमारी बरादरी भी उसके लिए काम करेगी। रविंद्र मछरौली ने उसको विश्वास दिलाया और इनको बताएगा क्या है क्या नहीं है। और चुनाव आज़ाद और पार्टी से लड़ने में एक फ़र्क और भी है, जब पार्टी से चुनाव आदमी लड़ता ना, एक महीना खुशामंद करता बस, उसके बाद फिर आदमी आता तो उसको ये दिखता है पार्टी की वोटें हैं, तेरा क्या लेना देना इन बातों से। और आज़ाद को तो ये पता होता है, इन्होंने किसी पार्टी को ना देकर अपने बेटे को, अपने भाई को, रविंद्र मछरौली को वोट दी है, तो उनसे बहुत सोच समझ कर बात करनी पड़ती है। तो आज़ाद में और पार्टी से चुनाव लड़ने में ये भी फ़र्क होता है। लेकिन एक चीज़ तो ये है कि इस बार जो पार्टियों में हालात हुए, बड़े बड़े नेताओं की टिकटें कटी हैं, जिनको उम्मीद थी टिकट मिल जाएगी वो टिकटें कटी हैं, लोग आगे कह रहे हैं कि पार्टियों पर तो विश्वास रह नहीं गया। आपका मान लो शशिकांत कौशिक जी हो गए, कितनी मेहनत कर रखी थी उन्होंने, संजय छोकर ने कितनी मेहनत कर रखी थी, उनको उम्मीद थी, किशन किवाना ने मेहनत कर रखी थी, तो ये पूरे हरियाणा में ऐसा सिनेरियो चला, चाहे बीजेपी वाले चाहे कांग्रेस में। आजाद उम्मीदवार के तौर पर जैसा आप कह रहे हैं कि 15 से ज़्यादा आजाद उम्मीदवार जीत के आ रहे हैं और यही सरकार में अहम भूमिका निभा रहे हैं, देख लेना आप इस बात को भी, अब की बार आजाद कितने, क्योंकि जनता ने देख लिया पार्टियां कुछ नहीं है, ये पार्टियां किसी की नहीं है, एक आदमी मेहनत करता है काफ़ी, अरे इससे अच्छा तो अपने लोगों में, अपने समाज में, 36 बरादरी में मेहनत करो, वो कभी फल नहीं रखती।
मेहनत का फल कोई नहीं रखता, सब उसको आशीर्वाद देते हैं। ये गंगा मैया पे जो बसें चल रही हैं, एम्बुलेंस से फ्री सेवा में चल रही हैं। अभी एक बात बताओ, ये नोटिस दे रहे थे भैया आपकी बसें चल रही हैं, एम्बुलेंसें चल रही, बंद करो इनको, ये हो रही हैं, क्या ये गरीब आदमियों के लिए एम्बुलेंस है? 8,000 रुपये लगते हैं जाने के लिए, कहीं दिल्ली जाना है, रोहतक जाना है, 8-7 हज़ार रुपये, गरीब आदमी का ही तो काम कर रहे हैं ये, तो इसको बंद कराने से क्या हुआ? मान ले हमने नहीं पता ये दिखते हैं, लेकिन मुझे पता है जनता ने सोच रखा है, बेटे ये बसें और एम्बुलेंस आपकी बंद नहीं होने देंगे, हम आपसे वादा करते हैं तो ये ऐसे ही चलेंगी, आशीर्वाद दे देंगे 5 तारीख को वोट डाल के, 8 को आप भी देख लेना वहाँ। अच्छा, बीजेपी के साथ जाओगे या कांग्रेस के साथ जाओगे? देखो उस बात के लिए तो क्या वो करेंगे, मान लो किसके साथ जाएंगे, हमने तो सरकार के साथ रहना है, जो भी आएगी, चाहे हमारी तरफ से मायावती जी बनाओ, अच्छा, चाहे हमारे साथ हमारे उससे तो चाहे कोई बनाओ, जो सरकार बनाएगा, विकास कराना, हमारा मकसद विकास कराना है, ना कि पैसे कमाना, रुपए कमाने का काम रविंद्र मछरौली ने नहीं करना, इन्होंने तो अपने लोगों की सेवा करना है और अपने हलके का विकास कराना। अच्छा, कांग्रेस की आपने बता दी, लास्ट क्वेश्चन करूँगा, कांग्रेस की तो आपने भविष्य बता दिया, बीजेपी का भविष्य क्या है पूरे हरियाणा में इस पर? देखो मैंने आपको बताया तो किसी का नहीं है यहाँ भविष्य, यहाँ सिर्फ आजाद उम्मीदवारों का भविष्य है, इसमें हर्ष माड़खाल का अब तो छोड़ो, आप हरियाणा में विकास की बार बहुत आजाद उम्मीदवार आएंगे, ये आप देख लेना। ये देखिए, हाँ ये बहुत बढ़िया ये पिक्चर है, ये रविंद्र मछरौली है, रविंद्र मछरौली के चाहने वाले जो हैं आपको पूरे जो है दिख जाएंगे, और एक वीडियो हमने पिक्चर आपको दिखाई है, देखिए सामने जो है अब इनका काफिला जो है यहाँ से बिलासपुर की तरफ जाएगा। समझने की कोशिश की हमने कि हरियाणा की राजनीति में और ख़ासतौर पर संभालखा की राजनीति में क्या हो रहा है। आप जुड़े रहे वाइस ऑफ पानीपत के साथ, इनकी जनसभाओं को हम लोग लगातार दिखाते भी रहेंगे और लोगों से बातचीत भी करते रहेंगे। नमस्कार।